मौजूदा रोहतक के अंदर, रोहतक में एक ऐसी जगह जो सबसे पुरानी एकेडमी है, यानी कि पिछले 17 वर्षों से एएमएस ग्लोबल एकेडमी कार्य कर रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 17 वर्षों में हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा चुके हैं। एक ही छत के नीचे आपके हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। एएमएस एकेडमी की बात की जाए, चाहे एनडीए हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेन्स हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, या फिर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कोई भी स्कूल हो, हर चीज की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। एक तरीके से कहा जाए, स्कूलिंग के साथ साथ यहाँ पर कोचिंग की फैसिलिटी आपको मिल रही है। सीकर, कोटा, दिल्ली भागते हैं, नोएडा की तरफ भागते हैं, ताकि हम जो कुछ अच्छा कर पाए, कुछ अचीव कर पाए। लेकिन अब जो आपको इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, हर फैसिलिटी आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाली। एएमएस ग्लोबल एकेडमी जो है, उन्होंने एक सोच, एक विजन डिफाइन किया है कि बच्चे को अब स्कूलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ स्कूलिंग से काम नहीं बनेगा, अब कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग का जमाना आ गया। सिर्फ स्कूलिंग से बात नहीं बनेगी, स्कूलिंग भी यहीं पर है, कोचिंग भी यहीं पर है, और बच्चा अगर वीक है तो उसको ट्यूशंस भी उसी फीस में कराया जाता है। एकेडमी और भी बहुत है मार्केट में, आजकल भरमार है एकेडमियों की। क्या डिफरेंस है एएमएस में और अन्य एकेडमी? यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं और वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं। जो बच्चों के डाउट होते हैं उनसे पर्सनली जाके लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। जो बच्चा ट्वेल्थ के बाद रीजनिंग सीखता था, ये आपने देखा होगा, ट्वेल्थ के बाद बच्चे को पहले पता ही नहीं होता, तो आजकल ये बच्चे वो रीजनिंग के क्वेश्चन सीख रहे हैं, इनको करंट अफेयर्स का पता है, इनको अगर हम बात करें कि बेसिकली यूपीएससी का सिलेबस क्या है वो पता है, एनडीए का सिलेबस क्या है और नीट के लिए क्या है, तो फाउंडेशंस पे हम काम कर रहे हैं। तो हम ना बहुत ज़्यादा स्कूल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो प्रेशर से भी ज़्यादा मैं आपको सच बताऊँ, स्कूल में ना, एक स्कूल में 4,000 बच्चे भरे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ, टीचर को ये नहीं पता होता कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास का है या नहीं है। यहाँ पर हमने 20 स्ट्रेंथ रखी है ताकि एक एक बच्चे पे अटेंशन हो जाए। सबसे बड़ी बात, वी वर्क ऑन कंसेप्ट, वी डोंट वर्क ऑन क्रैमिंग, रट्टा नहीं मरवाते, कंसेप्ट पे काम करते हैं। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। 17 सालों से रोहतक के अंदर एएमएस ग्लोबल एकेडमी ऐसी है जो हर सेक्टर के अंदर बच्चों को तैयार कर रही है, यानी कि देश का आने वाला भविष्य है एएमएस एकेडमी मजबूती के साथ तैयार कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक के अंदर। रोहतक में एक ऐसी जगह जो सबसे पुरानी एकेडमी है, यानी कि पिछले 17 वर्षों से एएमएस ग्लोबल एकेडमी कार्य कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 17 वर्षों में हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा चुके हैं। अब बड़ी विशेष बात यह है कि रिजल्ट आ चुका है, बच्चों ने प्लस टू कर ली है, प्लस वन के बच्चे प्लस टू में हो चुके हैं, प्लस टू वाले बच्चे जो फ्री हो चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद अब अभिभावकों के सामने और बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो कहाँ जाएं और क्या करें। लेकिन आज एक ही छत के नीचे आपके हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। एएमएस एकेडमी की बात की जाए, चाहे एनडीए हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेन्स हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, या फिर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कोई भी स्कूल हो, हर चीज़ की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। एक तरीके से कहा जाए, स्कूलिंग के साथ साथ यहाँ पर कोचिंग की फैसिलिटी आपको मिल रही है, यानी कि स्कूल के साथ साथ आपको कोचिंग देकर इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अपने उज्ज्वल भविष्य को सफल बना पाए। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले रिजल्ट पर नजर डालिए, ये सभी जो है एनडीए, इनके फाउंडेशन क्लासेज चलती हैं, एनडीए का परिणाम है। ऑल इंडिया एनडीए टॉपर अनुराग सांगवान, एनडीए एयर वन, फाइनल सिलेक्शन एनडीए अंकित कुमार इंडियन नेवी के अंदर हुआ, और बाकी जो सारे इनके एनडीए के सिलेक्शन है। और इसी प्रकार जो है हजारों नौकरियां बच्चों को दिलवा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये, कहीं कोई सेटिंग है, क्या चल रहा है, आखिर पिछले 17 वर्षों में हजारों बच्चों को नौकरी दिलवा चुके और उसके बाद भी अब लगातार जो है ये सिलसिला जारी। अंदर चलते हैं, सारी सुविधाएं दिखाते हैं और जो संचालक हैं, यहाँ के बच्चे हैं, स्टाफ हैं, सभी से बातचीत करवाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि बच्चे जाते हैं सीकर, कोटा, दिल्ली भागते हैं, नोएडा की तरफ भागते हैं, ताकि हम जो कुछ अच्छा कर पाएं, कुछ अचीव कर पाएं। लेकिन अब जो आपको इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, हर फैसिलिटी आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाली है। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। तो सर कहाँ मिलेंगे अभी? जी अंदर में। अंदर मिलेंगे। तो ये रिजल्ट आ रहा है, कहीं कोई सेटिंग चल रही है, क्या चल रहा है आपके? इतना जबरदस्त रिजल्ट नहीं है।
हम मेहनत काफ़ी अच्छी कराते हैं। ये तो सभी बोलते हैं एकेडमी वाले। जी नहीं, हमारी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी औरों से काफ़ी अलग हैं। हम हार्ड वर्क भी कराते हैं बच्चों का, क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं, बेस्ट से बेस्ट हम जितना कर सकते हैं उससे बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि और बोलते हैं आप करके दिखाते हैं। जी जी, तो संचालक से मिलवाते हैं जो इस एकेडमी को पिछले 17 सालों से लगातार संचालित कर रहे हैं। और बड़ी विशेष बात जो हमने बताई कि सीकर और कोटा जाने की जरूरत नहीं, यानी कि एक घर के अंदर अगर दो या तीन बच्चे हैं और सभी का मन अलग अलग है, कोई डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो अब एक ही छत के नीचे आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलने वाला। हमारे साथ संचालक मौजूद है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। तो थैंक यू सर, और हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। मनीष जी, चर्चाएं बहुत सुनी मार्केट में, एक चारों तरफ AMS ग्लोबल एकेडमी का नाम चारों तरफ गूंज रहा है, पिछले 17 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और जो परिणाम है वो आपका बोलता है, बोलता नहीं चिल्लाता है मार्केट के अंदर, समाज के अंदर। सबसे पहले आपकी फैसिलिटीज देखना चाहेंगे, क्योंकि चर्चाएं चलती हैं AMS एकेडमी सबसे बेहतरीन टॉप क्लास जो फैसिलिटीज दे रही है, तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज से रूबरू जरूर करवाएंगे अभिभावकों को। सर, बेसिकली मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि अभी जो जमाना है ना, अगर हम बात करें कि हर पेरेंट्स ना चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी एक सक्सेसफुल पर्सन बने, तो उसके लिए ना समाज ने कुछ चीज़ें निर्धारित की हैं कि आपका बच्चा है, मैं चाहता हूँ देखिए एक बच्चा सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है, लेकिन उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। अगर वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है, एक अच्छा इंजीनियर बनता है या अच्छा वो डिफेंस सर्विसेज में जाता है, मैं ये नहीं कहता ये मायने हैं, लेकिन एक बेसिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब होनी चाहिए। और उसके साथ अगर एक संस्कार भी यहाँ पर मिल जाते हैं, तो संस्कार के साथ अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो एक सोने पर सुहागे जैसा काम करता है। तो AMS ग्लोबल अकेडमी जो है, उन्होंने एक सोच, एक विजन डिफाइन किया है कि बच्चे को अब स्कूलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ स्कूलिंग से काम नहीं बनेगा। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो ये आज इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन आ गया पॉपुलेशन में। और अगर हम बात करें बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ, अब कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग का जमाना आ गया, सिर्फ स्कूलिंग से बात नहीं बनेगी। एक नया फंडा आपने शुरू कर दिया, लोग सोचते हैं आप वो करके दिखा देते हैं, उससे पहले ही 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के आपने फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दी। आखिर ये मामला क्या है? 6ठी क्लास से बच्चों को आप एकेडमी में आपको जो अपनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो साथ ही 6ठी क्लास से कहते हैं कि आप जॉब के लिए तैयारी करवा रहे बच्चों को। सर, अब जब भी आप UPSC की बात करेंगे, नीट की बात करेंगे, JEE की बात करेंगे, तो जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे सिर्फ स्कूलिंग यानी NCERT बेस चीजें कराई जाती हैं, लेकिन जब बच्चा एक 12th के बाद जब जाता है तो उसके आगे नंबर ऑफ वेज होते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज रहता है, मैं नीट के लिए जाऊं, मैं JEE के लिए जाऊं, या मैं UPSC के लिए जाऊं, या NDA के लिए जाऊं। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, वो हम आज से दूर करेंगे बच्चे को। हम बच्चे पे पूरे 4 साल काम करेंगे और 4 साल काम करने के बाद हम बच्चे को 10th के बाद बता देंगे, 12th के बाद बता देंगे कि ये दिस इज द राइट प्लेस। वो 4 साल हम बच्चे पर एक एक चीज, अगर वो एक डिफेंस में ऑफिसर बनना चाह रहा है तो हम उसकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे काम करेंगे, अगर वो एक डॉक्टर बनना चाह रहा है तो हम उसके साइंस के मॉड्यूल्स के थ्रू, ओलंपियाड्स के थ्रू उन पे काम करेंगे, इंजीनियर बनना चाह रहा है तो हम उन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनको काम करेंगे। और अभी हरियाणा में कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि देखिए आप सबसे पहले दौड़ोगे ना तो सबसे पहले पहुंचोगे, आप दौड़ना ही लेट शुरू करोगे तो आप लेट ही पहुंचोगे। तो ये हमारी है, हम यहां ये भी नहीं कहते कि बच्चे पे आउट ऑफ द वे द प्रेशर हो। आप जब 12th के बाद 1 साल ड्रॉप करते हो, 2 साल ड्रॉप, आप धीरे धीरे उसी काम पर डेली 1 से 2 घंटे हम एक्स्ट्रा बच्चे को पढ़ाते हैं, स्कूलिंग भी यहीं पर है, कोचिंग भी यहीं पर है, और बच्चा अगर वीक है तो उसको ट्यूशंस भी उसी फीस में कराया जाता है। और बच्चे को शुरू से एक माइंड मेकअप बना दिया जाता है कि बच्चे दिस इज द राइट वे। और अगर 9th क्लास में या 10th क्लास मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये तो ना, मैं तो सोच रहा था मुझे डॉक्टर बनना, लेकिन मेरा राइट पाथ UPSC है, मैं IAS IPS, तो हम उसको गाइड कर दे ताकि वो आने वाला टाइम है वो बर्बाद ना हो। अब बच्चा कोटा जा रहा है, सीकर जा रहा है, वहाँ पे उस पर अननेसेसरी प्रेशर है, उसने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, वो सुसाइड की तरफ भी जा रहा है। घटनाएं हो रही, आपने देखा होगा।
तो ये सिर्फ पेरेंट्स क्या करते हैं, सीधा ट्वेल्थ करने के बाद कहते हैं आपको डॉक्टर बनेंगे। अरे नहीं, उसको आप सेवंथ क्लास से बताइए, उसको एट्थ क्लास से बताइए, अगर उसमें वो कैपेबिलिटी होगी। बहुत सारे मेजरमेंट्स के एरियाज हैं जहां पर आप ये काम कर सकते हो, और वही काम हमने यहां पर करना शुरू कर दिया है पिछले 17 साल से। जो हमने एक रिसर्च की है, उस रिसर्च को हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यही चीज हमें यहां खींचकर लेकर आई है कि स्कूलिंग प्लस कोचिंग, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। स्कूल के बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, छठी क्लास की, सातवीं क्लास की, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, कोई सी भी क्लास हो, लेकिन उसके साथ ये अलग से कोचिंग दे रहे हैं। ये बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, एनडीए, नीट, जेई मेन्स या फिर किसी भी सेक्टर में क्यों ना जाना चाहते हो, उसके लिए ये हर तरीके से बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं। मनीष जी, बातचीत हो गई, लेकिन अब दिखाएंगे, रूबरू करवाएंगे आपकी हर सुविधा से, तभी जो है कुछ लोगों को यकीन हो पाएगा कि हाँ वास्तव में बातों में दम है। तो एमएस ग्लोबल एकेडमी में लगातार मौजूद है, और अब क्लासरूम दिखा देते हैं। बातें बहुत हुई लेकिन सच्चाई दिखाएंगे कि उन बातों में दम कितना है। मनीष जी, क्लासरूम में चलते हैं, बच्चों से मिलवाइए, सारी फैसिलिटीज आपकी दिखाते हैं। तो ये कौन सी क्लास है मनीष जी? जो 12th फाउंडेशन बैच है, जिसमें 12th के साथ साथ बच्चा अपना नीट, जेई और एनडीए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है। तो कई बच्चे तो दूसरे स्टेट से भी हैं, डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से हैं, एक बच्चा यूपी से है, एक बच्चा मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, तो बहुत सी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तो बच्चे हैं ही हैं। और ये बच्चों का जो मेन फोकस हमारा यहाँ पर रहता है कि बच्चे को 12th के साथ साथ फाउंडेशन, देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब तक स्टूडेंट्स, जब तक आप फाउंडेशन पे काम नहीं करेंगे। अब बच्चा है, इनकी मॉर्निंग में जो स्कूल की क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और उसके साथ साथ फिर ये क्या करते हैं, फाउंडेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। बाकी बच्चे और अच्छे से बताएं, जो बच्चे आपने बाहर से बताया, एक बार उनसे मिलना चाहेंगे जो इतनी दूर से यहाँ पहुँचे हैं, कि आखिर उनको पता कैसे चला और क्या खासियत लगी। यूपी से जो बताया आपने, कौन है? आ गया जी एक बार। तो ये बच्चे अलग अलग जो है स्टेट से भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि एएमएस एकेडमी, हमने बताया कि इनका रिजल्ट बोलता है, बातें नहीं करते हैं, इनका काम जो है बोलता है, इनका जो रिजल्ट आता है वो बोलता है। क्या नाम आपका? जी वंश सिंधु। कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ से, यूपी से। जी, तो एएमएस एकेडमी का कैसे पता चला आपको? मुझे एक टीचर थे मेरे पुराने फिजिक्स के, उनके थ्रू पता चला है। उनके थ्रू पता चला। जी, तो जो उन्होंने बताया और फिर यहाँ आप पहुँचे, कितना डिफरेंस उन बातों में? जी डिफरेंस मतलब यहाँ का माहौल भी अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब चीज़ें। तो जब आप यहाँ आए थे, और अब कितना समय हो गया आपको क्लास लेते हुए? करीब 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो चुके हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको अपने आप के अंदर? जी मतलब हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। बेस्ट सभी अकेडमी बोलती हैं, लेकिन आप कहते हो कि एएमएस एकेडमी बेस्ट है, तो बेस्ट क्यों है, का कोई रीज़न बता पाएंगे? जी यहाँ पे मतलब टीचर हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती और हम पूछते हैं, कितनी बार भी पूछ ले, टीचर उससे मतलब चिढ़ता नहीं है, अच्छे से हर चीज़ अच्छे से बताता है। जी, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। नीट की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी जी। आपका क्या नाम है? आदित्य। कहाँ से आए? रोहतक। रोहतक से हैं। तो कौन सी क्लास में अभी आप? 12th क्लास में। तो 12th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कहते हैं कि छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम यहाँ पर फाउंडेशन क्लासेस देते हैं, यानी कि उनकी नींव मजबूत करते हैं और आगे के लिए बच्चे को भविष्य के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपको लग रहा है कि 12th क्लास में आप यहाँ पहुँचे और कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आगे होने वाला है आपको? यस सर, होने वाला है। होने वाला है? यस सर। गुड़िया, क्या नाम है? पायल। कहाँ से आप? रोहतक से। रोहतक से ही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रिया। आप भी रोहतक से? जींद से। जींद से हैं आप। तो एकेडमी और भी बहुत है मार्केट में, आजकल भरमार है एकेडमी की, क्या डिफरेंस है एएमएस में और अन्य एकेडमी में? यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं, और 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, जो बच्चों के डाउट होते हैं उनसे पर्सनली जाके लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एनडीए। एनडीए की। एनडीए में जाना चाहते हैं? ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्मी के अंदर? यस सर। तो कॉन्सेप्ट जो है एकेडमी का, यानी कि स्कूलिंग के साथ साथ कम्पिटिटिव स्कूलिंग, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, तो कितना सही मानते हैं इस कॉन्सेप्ट को? काफ़ी अच्छा है, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, हमें सेल्फ स्टडी के लिए भी अलग से टाइम मिलता है, और एक ही साथ अगर हम कंपटीशन और स्कूलिंग करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। अभी प्लस टू में आप? यस जी। आप भी प्लस टू में? यस। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एनडीए। एनडीए की तैयारी? यस सर। अच्छा,
यहाँ एनडीए के बच्चे हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट। नीट की डॉक्टर बनना है आपको। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एनडीए की। आप एनडीए की। और आप? यूपीएससी। क्लैट। क्लैट यानी कि अलग अलग बच्चों की जो इच्छाएं हैं, कोई बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जो है लेफ्टिनेंट वगैरह बनना चाहता है आर्मी के अंदर, यानी कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ यूपीएससी की भी तैयारी हो रही है, और बच्चे जो है अलग अलग जगह से पहुँचे हैं। आप कहाँ से हैं? रोहतक से। आप रोहतक से हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से हैं आप। दिल्ली एक महानगर को छोड़ के आप रोहतक पहुँचे, क्यों पहुँचे, क्या खासियत लगी? सर, रिलेटिव ने बताया था कि ऐसे AMS अकेडमी है रोहतक में, तो उस वजह से। दिल्ली में वैसे भरमार बहुत है, कोई कमी नहीं है। बहुत है, लेकिन आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, दैट्स व्हाई। तो जो नए की खोज में आप यहाँ पहुँचे, वो नया मिला आपको यहाँ? यस सर। क्या नया मिला बता दीजिए एक बार, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस। सर, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मतलब अकेडमीज भरी पड़ी हैं। इधर थोड़ा मतलब कम है, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, और जैसे सबने बताया कि टीचर्स 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, बस वही है। तो यहाँ कहते हैं कि सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, एक क्लासरूम के अंदर 20-25 बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है आपको बच्चों को जो है फ़ायदा बेनिफिट मिलता है उस चीज़ से? yes, हर बच्चे पर अलग से ध्यान दिया जाता है आराम से। तो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं आप? नहीं, रिलेटिव के घर पर। अच्छा, रिलेटिव के घर। चलो, तो ये बच्चे अलग अलग जगह से पहुंचे। दूसरे क्लासरूम में चलते हैं, अगर सभी से करवाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, सभी बच्चों से बारी बारी मिलवाते हैं। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि इंडिविजुअल अटेंशन की बात है, जैसे हमारा 11 12th का सेक्शन, ऐसे ही हमारे पास 8 9 10th है, जहां पे हमने स्ट्रेंथ को 20 स्ट्रेंथ रखा, 20 से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स ने बताया, जैसे दिल्ली से जो आए हैं स्टूडेंट हैं, या जींद से आए हैं, जो बच्चे यूपी से आए, तो वहाँ कहीं ना पेरेंट्स का ट्रस्ट है, और जो पेरेंट्स का ट्रस्ट है ना, हम उसी पे कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्रस्ट को हम ब्रेक ना करें, लेकिन ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि जो जो बच्चा जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस मोटिव के लिए आया है, उसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसका वो टारगेट अचीव करें। ये कौन सा क्लासरूम मनीष जी? जी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, कोई परेशानी तो नहीं है? कौन सी क्लासरूम? सर, दिस इज 10th स्टैंडर्ड। लाइक जो बच्चा शुरू से ही, जैसे मैंने बताया, तो जो बच्चा शुरू से ही नीट JEE NDA UPSC के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, देखो पेरेंट्स को ना मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम इन बात में बिलीव नहीं करते कि बेसिकली हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बच्चा हमारे पास आ रहा है, अलग अलग स्टेट से आ रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, और आपके सामने ये बच्चे हैं। कोई ये बच्चे ऐसे नहीं है कि अभी हम लाए, पिछले कोई बच्चा 7th से है, कई 8th से है, 9th क्लास से है। तो इन बच्चों को यहाँ पर लाने का मोटिव यही है कि ये बच्चे मैक्सिमम जो फाउंडेशन, जो बार बार मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फाउंडेशन, तो फाउंडेशन पे हम काम कर रहे हैं। अब बच्चा 10th स्टैंडर्ड में, आपको पता है कि बोर्ड की क्लास होती है, तो बोर्ड की क्लास के साथ साथ उसके फाउंडेशंस पे काम होगा, और बच्चे को जैसे डेली इंग्लिश स्पोकन की क्लासेज होती हैं, बेसिकली रीजनिंग की क्लास होती हैं। अब वी आर ट्राइंग समथिंग कि जो बच्चा 12th के बाद रीजनिंग सीखता था, या आपने देखा होगा 12th के बाद बच्चे को पहले पता ही नहीं होता, तो आजकल ये बच्चे वो रीजनिंग के क्वेश्चन सीख रहे हैं, इनको करंट अफेयर्स का पता है, इनको अगर हम बात करें कि बेसिकली UPSC का सिलेबस क्या है वो पता है, NDA का सिलेबस क्या है और नीट के लिए क्या है, तो फाउंडेशंस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो हम ना बहुत ज़्यादा स्कूल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर से भी ज़्यादा मैं आपको सच बताऊँ, स्कूल में ना एक स्कूल में 4,000 बच्चे भरे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ टीचर को ये नहीं पता होता कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास का है या नहीं है। यहाँ पर हमने 20 स्ट्रेंथ रखी है ताकि एक एक बच्चे पे अटेंशन हो जाए। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट। बेस्ट आपने बताया, बेस्ट क्यों है, रीज़न बता दीजिए। सर, बिकॉज देर इज़ सो गुड इन्वायरमेंट इन अवर अकेडमी, टीचर्स आर वेल एजुकेटेड, एंड सर मनीष सर गेव अस मोटिवेशनल स्पीच, एंड समटाइम्स मनीष सर गेव ऑर्गेनाइज सम सेमिनार्स एक्सेट्रा टाइप। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे? आई वॉन्ट टू बिकम ए लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट यानी कि NDA की तैयारी कर? यस सर। कौन सी क्लास में? 10वीं में आप? यस सर। कहाँ से आए? रोहतक। रोहतक से ही? यस सर। आप कहाँ से हैं? रोहतक। आप भी रोहतक से? yes, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? IIT। IIT की तैयारी चल रही है। यस सर। JEE मेंस के लिए? यस सर। अच्छा, आप कहाँ से गुड़िया? आई एम आल्सो फ्रॉम रोहतक। रोहतक से। आपकी कौन सी प्रिपरेशन चल रही है? आई विल प्रिपेयर फॉर UPSC। UPSC के लिए? yes, और आपके कहाँ के? आप कहाँ से? खरावड़ से। कहाँ से? खरावड़ से। खरावड़ यानी कि रोहतक से ही हैं आप भी?
और तैयारी किस चीज़ की चल रही है? नीट की तैयारी चल रही है। यानी कि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, ये आईआईटी में जाना चाहते हैं। यानी कि सभी बच्चों का जो एम है वो अलग अलग है और उसके लिए एएमएस एकेडमी ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसके बारे में हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं। तो जो आपका लक्ष्य है, जो एम है, आपको लगता है कि एएमएस एकेडमी में आप सही ठिकाने पर पहुंचे और यहाँ कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे? यस सर, बिकॉज जो जैसे प्रीवियस स्कूल थे हमारे उनमें फाउंडेशन कोचिंग की क्लास नहीं लगती है। जैसे इधर तो सर स्कूलिंग भी होते साथ साथ में फाउंडेशन, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश स्पोकन और क्लास, तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आईआईटी में पूरा कॉन्फिडेंस है अभी से। यस सर, अभी तो काफ़ी समय बाकी आपका आईआईटी के लिए। 100% कॉन्फिडेंस। क्यों, आपको क्या लगता है एनडीए के लिए? यस सर, आई एम 100% श्योर आई विल बिकम एनलिटेनेंट। कितना समय हो गया एकेडमी के अंदर? एक साल हो चुका है। एक साल पहले किसी स्कूल में थे, अब आपके फ्रेंड्स भी होंगे वहाँ पे पुराने, तो उनसे बातचीत करते हैं तो उनके अंदर और आपके अंदर कितना जो प्रोग्रेस हुआ है, कितना डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस तो है, जैसे कि वहाँ पर जस्ट वो रटाफिकेशन, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब सारी चीज़ें याद रहती है और अच्छे से समझ आता है, मतलब वो रटाफिकेशन नहीं होती। लेकिन वहाँ पे है, मतलब एग्ज़ाम्स देने के बाद सब कुछ क्लियर, लेकिन यहाँ पे सारा समझ आता है, याद रहता है। और जो कि यूपीएससी में सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो बी से 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, तो वो सारा याद रहता है और यूपीएससी में आगे वो सब सारा काम आएगा। अच्छा, जो एकेडमी का स्कूलिंग प्लस कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कितना सही मानते हो? वो है जैसे कि स्कूलिंग में तो लाइक जस्ट बुक्स हैं, हम स्कूलिंग में वो रीड करते हैं, और जैसे कि फाउंडेशन के वो जो क्लासेस हैं उसमें वी आर गेटिंग योर रीजनिंग क्लासेस, स्पोकन क्लासेस एंड दैट ऑल, क्योंकि रीजनिंग भी ज़रूरी है और स्पोकन तो इंग्लिश स्पोकन। अभी कौन सा आपका सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है मैडम की तरफ? एसएस की तरफ। कैसा पढ़ाती है मैडम आपको? सर, शी इज़ माई फेवरेट टीचर। फेवरेट टीचर? यस सर। तो कई बार डांट फटकार से बच जाते हो यानी कि? यस सर। चलो करिए आप तैयारी। मनीष जी, अगले क्लासरूम में चलते हैं और बच्चों से मिलवा देते हैं। मनीष जी, अगले क्लासरूम पहुंच के कौन सी क्लास है? सर, ये क्लास भी आप सुन के हैरान होंगे, अभी 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं 2 दिन पहले। तो नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है कि मैं अभी नानी के घर जाऊंगा, मामा के घर जाऊंगा, जो अपने यहाँ पे नॉर्मली चलता है। लेकिन हम एक कॉन्फिडेंस की बात करेंगे कि 10th का भी रिजल्ट नहीं आया है और आप बच्चों से मिलोगे, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर नीट, जेई और एनडीए। आप डेडिकेशन देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता है यहाँ सीट लिमिटेड है तो वो पहले ही आ जाते हैं कि ताकि सीट्स फिर बाद में हमें यहाँ ना मिले। तो ये भी एक फंड आप देखिए ना, अभी आपको पता है आज अगर हम आज की डेट की बात करें तो एग्ज़ाम 2 दिन पहले ख़त्म हुए हैं, लेकिन विद इन 2 डेज बच्चे नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास एडमिशन्स के लिए आ गए। कहते हैं कि नौकरी के लिए एक जो है ना कंपटीशन चलता वो अलग है, लेकिन एएमएस ग्लोबल एकेडमी में सीटों के लिए जो कंपटीशन चलता है वो सबसे अलग है, निराला है। तो क्लासरूम के अंदर चलते बच्चों से बातचीत करवाएंगे। तो ये सारे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10वीं क्लास के एग्जाम दिए हैं, इनके एग्जाम अभी ख़त्म हुए हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो एमएस एकेडमी में फ्रेशर हैं सभी। कौन सी जगह से हैं आप? यमुनानगर। कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से हैं। रोहतक में हम मौजूद हैं, बच्चे यमुनानगर से। आप कहाँ से हैं? कलावड़ से। कलावड़ रोहतक से ही हैं आप? आप कहाँ से हैं? सर, तिलक नगर रोहतक। आप कहाँ से हैं? नेहरू कॉलोनी। नेहरू कॉलोनी यानी कि रोहतक से हैं। अच्छा, आप यमुनानगर से पहुँचे हैं, अभी एग्जाम ख़त्म हुए थे और यहाँ पहुँच गए, तो क्या कारण रहा? नीट करना था मुझे आगे। नीट की तैयारी के लिए? तो आपको कैसे पता चला एमएस ग्लोबल एकेडमी का? मेरी सिस्टर से ही पता चला था। आपकी सिस्टर से? वो यहाँ पढ़ी हैं पहले? सर एक्चुअली जी, इनकी जो सिस्टर है शी इज़ डॉक्टर इन PGI रोहतक, है ना? अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर ज्योति राय, शी इज़ PGI रोहतक। तो उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, जब उन्होंने यहाँ विज़िट किया तो पूरा का पूरा उन्होंने, आपको पता है डॉक्टर्स हैं, अगर PGI जैसे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर हैं तो वो उन्होंने पूरी की पूरी अपनी तसल्ली की। दैन उन्होंने यहाँ पर 2 दिन की डेमो क्लासेस दी। मैं अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ स्कूल्स की तरह कंपल्शन नहीं है, आप 2-3 दिन यहाँ पर डेमो क्लासेस के लिए आ सकते हैं। तो इन्होंने डेमो क्लास अटेंड करी और यमुनानगर से रोहतक तक, आप मानते हैं कि कितने सारे शहर पढ़ते हैं, तो इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, जो कंसेप्ट है वो इन्होंने वहाँ पर जताया है और वो आपके सामने है। अच्छा, कहाँ से हैं गुड़िया आप? भिवानी चुंगी रोहतक। रोहतक से हैं आप? भी रोहतक से हैं? Yes. अच्छा, आप कहाँ से हो? रोहतक। आप भी रोहतक से हैं? Yes. और आप? हाँ,
सापला से हैं। किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपकी? नीट। नीट की आपकी? एनडीए की आपकी? नीट। आपकी? जेई की। अलग अलग तैयारियां चल रही है, यानी कि एक फाउंडेशन क्लास हमने बताया आपको, वो कॉन्सेप्ट इनका चल रहा है। तो कैसे ही आपको यहाँ पर स्कूल के जो एग्जाम खत्म होने के बाद यहाँ आए हैं? कितने दिन हो गए आपके? एक हफ्ते से क्लासेज शुरू। तो कितना डिफरेंस है स्कूल की क्लासेज में और यहाँ की क्लासेज? यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, अच्छे से बताते हैं। टीचर्स जो नहीं आता वो पूछने के बाद भी सारे बता देते हैं। स्कूल के अंदर ऐसा नहीं था जैसे कि सब सब्जेक्ट्स एक साथ होते थे, टाइम पे ही होते थे, पंचुअल, कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। एंड यही रीज़न है कि हमने ये अकेडमी चूज़ की। सही कह रहे हैं? यस। कितनी सच्चाई है? सच्चा 100%। कहीं मनीष जी खड़े इसलिए तो नहीं कह रहे हो? नो सर, बिल्कुल सच्चाई है। यस सर। तो पता कैसे चला आपको कि AMS Academy बेस्ट है? सही, यहाँ पे स्टडी जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छी स्टडी होते हैं। हमने खुद डेमो क्लास लिया। अच्छा, डेमो क्लास लिया आपने पहले? तो कितना डिफरेंस लगा जब डेमो क्लास ली पहली बार, तो क्या डिफरेंस महसूस हुआ था आपको उस समय? बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पे, लाइक हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसके डीप में जाते हैं और हमें अच्छे से समझ भी आ जाता है। ठीक कह रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बिल्कुल? यस सर। अच्छा, स्कूल में और यहाँ में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या 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 डिफरेंस मान के चल सकते हैं बता दो? एक तो मेन है सर, कंपटीशन की क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट क्लियर हो जाते हैं सर। अब एक सवाल ये रहता है, जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, चाहे यमुनानगर से गुड़िया हैं, चलो इनके रिलेटिव हैं तो ये रह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे यूपी से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से, राजस्थान से, या फिर इधर पंजाब साइड से भी अगर बच्चे आ रहे हैं, तो अगर वो काफ़ी दूर से हैं और तो उनके लिए क्या व्यवस्था आपके पास? सर, बेसिकली हमारे पास ना दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स, सेपरेट हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे वार्डन्स हैं, उनके लिए फूड, सारा फूड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है, मेड्स हैं वहाँ पे। आप आओ 3 डेज़ 4 डेज़, आप डेमो क्लासेज अटेंड करो। अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? उन्हें पता है कि पिछले 17 सालों में जो हमने क्वालिटी बच्चों स्टूडेंट्स को दी है, और ये जो फाउंडेशन का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है, वो यही एक रीज़न है कि बच्चा हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। चलो मनीष जी, आपने 3-4 दिन कहा, लेकिन हम कहते हैं कि AMS Academy हमारे कहने से 1 हफ्ता कर देगी, आप 1 वीक तक लगातार डेमो क्लास ले सकते हैं। चलिए, हरियाणा News24 की तरफ से हम सब पेरेंट्स को बेसिकली हम ये कहेंगे कि इनकी रिस्पेक्ट है, कि इतना बड़ा चैनल है ये पूरे हरियाणा का, मैं कहूँगा पूरे नॉर्थ इंडिया का, कि सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इनको देखते हैं, तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी हमारे यहाँ से बेसिकली एक रिक्वेस्ट ही कहेंगे, और इसमें आपका तो कोई फ़ायदा नहीं, एक स्टूडेंट्स का ही फ़ायदा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स 1 वीक के लिए नीट, JEE, NDA या फाउंडेशन क्लासेस के लिए 6 to 12 तक या आना चाहता है, तो हम उनको, अगर वो सीरियस है, देखिए सर, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो हमारे प्रोटोकॉल को ब्रेक करेगा, इनडिसिप्लिन करेगा, तो हम नहीं हैं। अगर वो डेफिनेटली, अगर 1 हफ्ते के लिए वो अगर क्लास लगाना चाहता है, तो डेफिनेटली हम उनको 1 वीक का डेमो क्लासेस देंगे। एक अहम सवाल, बच्चे स्कूल में होते हैं तो अगर फीस समय पर नहीं मिलती, थोड़ा बहुत डिले हो जाती है, तो बच्चों को थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया जाता है स्कूलों की तरफ से। एकेडमी के अंदर क्या है, बच्चों को परेशान किया जाता है, फिर फीस की बातचीत सिर्फ पेरेंट्स तक सीमित है? देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, दोनों कंसेप्ट को लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट से फीस की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, तो पेरेंट्स से बात करते हैं। और मैं हर स्कूल संचालक को बोलना चाहूँगा, वो इनका काम नहीं, इनका काम पढ़ना है, अगर ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, तो आप इन पे अलग तरीके से एक्शन लें, उनसे बात करें, उनको मोटिवेट करें, उनका साइकोलॉजी पे काम करें, उनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ना जो मिडिल क्लास हैं या बच्चे थोड़े से फाइनेंशियली वीक हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम रोहतक जैसे शहर में जाएंगे तो हम फीस पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर जो बच्चा डिजर्व करता है ना, तो यहाँ पर एवरी सैटरडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो हर संडे को सुबह 10 to 12 तक एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जब तक ये हमारी सीट्स पूरी नहीं होती हैं, तो उस स्कॉलरशिप टेस्ट में देके आप अप टू 100% भी आप स्कूल, यानी आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, अगर आप डिजर्व करते हो और स्कॉलरशिप टेस्ट में आप 100 out of 100 percentile लाते हो, और फीस जैसी तो कोई बात ही नहीं है सर। लाइक हम पिछले 17 years से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम स्टूडेंट्स के साथ वैसे भी नहीं करते हैं। अब छोटे बच्चे मौजूद, हमने कहा कि फाउंडेशन क्लासेज यानी कि कम्पिटिटिव स्कूलिंग यहाँ करवा रहे हैं, सिर्फ स्कूलिंग नहीं होती, तो ऐसे में 6th class से और 12th class तक के बच्चों को यहाँ पर फाउंडेशन तैयार किया जाता है, यानी कि नींव तैयार की जाती है। बच्चे देख सकते हैं 7th, 8th, 9th class के। अब पूछेंगे कि ये AMS Academy में पहुँचे कैसे, तो साथ ही इनका जो है मोटिव क्या है और एम क्या है, कि किस चीज़ की ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं?
हम रोहतक से हैं। रोहतक से हैं आप? हाँ जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एनडीए। एनडीए? हाँ जी। कौन सी क्लास में? नाइन्थ। नाइन्थ क्लास में, और अभी से एनडीए की सोच? हाँ जी सर। नाइन्थ क्लास में बच्चे सोचते हैं कि टेंथ का जो है हमारा वो जो सिलेबस है वो कैसा होगा, और आप एनडीए की बात कर रहे हो? नो सर, आई वॉन्ट टू बिकम एन एनडीए ऑफिसर। एनडीए ऑफिसर, ये देख लीजिए, मतलब जो बच्चे हैं ना एडवांस इनकी थिंकिंग है। आप कहाँ से हैं? सर रोहतक। रोहतक से? हाँ। एएमएस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? सर सबसे पहले तो मैं एकेडमी स्कूल पास करने के बाद बड़ी ऐसी सोच रहा था जिससे मेरे एम के लिए बढ़िया तैयारी हो सके, इसलिए मेरे फादर ने मुझे बताया कि एम्स एकेडमी, और मेरे फ्रेंड ने बताया था सर एम्स एकेडमी बढ़िया है एनडीए के लिए। सर बढ़िया है? हाँ सर, मतलब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप? यस सर। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर क्लासेज लेते हैं? सर दो दिन हुए हैं। दो दिन हुए हैं? यस सर। कैसी क्लासेज चल रही हैं आपकी? सर बढ़िया चल रही हैं, समझ आ रहा है सब कुछ। समझ आ रहा है? हाँ सर। नौवीं क्लास में आप भी? यस सर। तो ये देख लीजिए, नौवीं क्लास के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए का इनका लक्ष्य है। आप कौन सी क्लास? नाइन्थ। आप भी रोहतक से? यस सर। कैसा लगा यहाँ पे क्लासेज लिए आपने, कितने दिन हो गए? सर टू डे हो गए। अच्छा लगा। अच्छा लगा? यस सर। स्कूल में जो पढ़ाई होती है और यहाँ की जो पढ़ाई, उसमें कितना फर्क है? सर बहुत ज़्यादा फर्क है सर। स्कूल में नाइन्थ के बाद जीके नहीं करवाते सर, यहाँ पे आईटी भी करवाते हैं और जीके भी, और एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? सर उससे हम आगे जैसे एनडीए के लिए हमको टेस्ट के लिए हम अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ये मनीष जी ने आते ये स्पीच दे के तो नहीं बताई आपको बातें? तो ये देख लीजिए, मतलब बच्चों को पता है कि जीके अगर इनको करवाई जा रही तो वो क्या क्यों करवाई जा रही है, यानी कि रीजन का पता है। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर अगर बीमारी का या कारण का पता लगा ले तो दोबारा वो बीमारी कभी नहीं होगी, उसका जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो उसी तरीके से बच्चों के अंदर जो भय होता है उसका इन्होंने जड़ खोज ली है, उस जड़ को जो है उखाड़ने का काम कर रहे हैं, डर की जड़ जो है, और उससे आने वाला भविष्य आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होने वाला है। तो एमएस एकेडमी में लगातार मौजूद है और मनीष जी हमारे साथ खास बातचीत में हैं। अब इस क्लासरूम में पहुंचे हैं मनीष जी, क्या खासियत है यहाँ पे? बेसिकली सर, ये स्टूडेंट्स ना एनडीए के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। सेप्टेम्बर अटैम्प्ट होता है, अप्रैल अटैम्प्ट होता है, तो ये बच्चों का ना एक जज्बा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में ना अगर हम देखें तो एनडीए के लिए, फौज के लिए जुनून है। ऐसा नहीं है कि पैसा, अगर हम देखें अगर हम यूपीएससी में बात करें, नीट जेई सब जगह पैसा है, लेकिन जब देश सेवा की बात आती है तो मेरे ख्याल से ना हरियाणा से बड़ा और हरियाणा से अच्छा एक स्टेट जहां के बच्चों की सोच ये है कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स ऑफिसर बनना है, नेवी ऑफिसर बनना है, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फ्रेश 12th क्लास की है और अभी रिजल्ट आने से पहले ये एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा गुड़िया कहाँ से आप? सर टिटोली। टिटोली से? यस सर। रोहतक से। एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। तो यहीं क्यों पहुंचे हैं? और भी एकेडमी कहती है कि हम डिफेंस सेक्टर में सबसे नंबर वन हैं, तो यहाँ क्यों पहुंचे आप? क्योंकि सर यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एनडीए क्लियर कर चुके हैं, जो है ऑल इंडिया रैंक वन अनुराग सांगवान, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, इसलिए सर यहाँ पर। यानी कि रिजल्ट के बारे में आपको पता चला और फिर यहाँ पहुंचे? यस सर। अच्छा गुड़िया क्या नाम है? दीप्ति से। दीप्ति कहाँ से? रोहतक से। रोहतक से? यस सर। कितनी सच्चाई है आपकी सहेली की बातों में? सारी है। सारी सच्चाई? यस सर। एनडीए की तैयारी चल रही है? यस। सितंबर में एग्जाम है, क्या लगता है क्या होने वाला है? अप्रैल का दूंगी मैं। अच्छा आप अप्रैल का देंगे? यस सर। तो अभी देंगे आप, तो अभी आ गया। यस सर। कितनी तारीख का है? 21 अप्रैल का। 21 अप्रैल? यस। क्या लग रहा है? हो जाएगा। हो जाएगा, भरोसा है पूरा? यस सर। तो इतना भरोसा कैसे है? यहीं से किया हुआ है पहले भी। अच्छा आपने पहले भी? हाँ, 12th फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, इन्होंने 11th भी यहीं से किया, 12th भी किया, और बार बार यही चीज़ है। 11th में इनको लगभग 70% सिलेबस इन्होंने कवर कर दिया था, तो अब इनको इतना कॉन्फिडेंस है। आपका क्या नाम है? निकिता। कहाँ से? रोहतक से। रोहतक से है? अभी आए हैं या फिर यहाँ पहले भी? आई हूं। अच्छा अभी आए हैं, 15 दिन हो गया आपको? तो एग्जाम सेप्टेम्बर का देंगे, तो क्या लग रहा है जो 15 दिन में तैयारी हुई उस हिसाब से सितंबर तक कितना क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा सितंबर तक, तो एक बार तो मैं 21 अप्रैल को भी अटेम्प्ट करके देखूंगी, मेरे को तो लगता है कि यही हो जाएगा, सितंबर तक की जरूरत है। 15 दिन की तैयारी में ही? हाँ। क्या नाम है? वासुदेव सर। कहाँ से आए? जुलाना। जुलाना से? यस सर। तो यहाँ पहुँचे, जिन जिले से आते हैं? यस सर। रोहतक में अकेडमी में पहुँचे, कितना जो है डिफरेंस लगता है? 12 प्लस 2 हो चुके आपकी? नो सर। प्लस टू नहीं हुई है? नो। अभी चल रही है? यस। तो यही से चल रही है प्लस टू? यस सर।
तो कितना डिफरेंस है स्कूल के अंदर प्लस टू करे या फिर यहाँ जो प्लस टू सर करे? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्कूल्स में मैथ्स के टीचर होते हैं वो मेरे छोटे ट्रिक्स नहीं बताते, लेकिन जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं वो हमें बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं। कोई भी अगर सम होता है उसको डिटेल वाइज बताते हैं, सारी चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताते हैं हमें सारी चीज़ जितनी भी होती है। तो स्कूल लेवल और जो हमारी अकेडमी है AMS उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। तो बाहर जो पोस्टर लगा हुआ उस पर NDA के सिलेक्शन जितने भी बच्चों के, तो मान के चले अगली बार आप सबकी लगने वाली है वहाँ पे तस्वीर? जी हाँ बिल्कुल पक्का। जी हाँ बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है बच्चों का। अच्छा आप कहाँ से हैं? सर गोहाना से। गोहाना से? यस सर। तो यहाँ पहुँचे कैसा लग रहा है यहाँ आके? जो फैसला लिया सही था डिसीजन? सर फैसला अच्छा था, मैं यहाँ पे इसलिए पहले मेरा भाई भी यहाँ यहीं से गया है। और सर जो यहाँ पे आने के बाद है कि जो जैसे बात करते हैं ज़्यादा वो इंस्टीट्यूट होते हैं सीधा एडमिशन के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे पहले डेमो क्लास दी जाती है। डेमो क्लास अगर अच्छी लगे तो ज्वाइन करिए, वरना आपकी मर्जी जा भी सकते हैं। तो डेमो लिया कैसा लगा? डेमो अच्छा था। तो अब कितने दिन हो गए आपको यहाँ क्लास? अभी सर 8-9 days हो गए। 8-9 दिन हो चुके? यस सर। तो AMS अकेडमी का भ्रमण करवाया, हर फैसिलिटी से आपको रूबरू करवाया। अब चलते चलते आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि NDA जिसको लेकर स्पेशल क्लासेज AMS ग्लोबल अकेडमी के अंदर लगाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसी को लेकर स्पेशली NDA को लेकर सेना के कई बड़े अधिकारी जो है कंसल्टेंसी के लिए AMS ग्लोबल अकेडमी रोहतक में पहुंच रहे हैं, उसकी सारी जानकारी मनीष जी आपको बता देंगे। सर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, स्पेशली ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली क्या रहता है, उनको आइडिया नहीं होता कि 10th के बाद हम क्या करें। वो एक उनके अंदर कन्फ्यूज़न रहता है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या मुझे डिफेंस में जाना है। तो इसके लिए हर साल हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के, ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को लेकर कोई भी संशय है कि वो कैरियर में कहाँ जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या NDA में जाना चाहता है, तो आप 14th April यानी कि आने वाले संडे को आप बेसिकली आकर यहाँ पर आप सेमिनार, एक फ्री निशुल्क सेमिनार हम कर रहे हैं, उसका कोई चार्जेज नहीं है, और आप यहाँ ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर से मिल सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से बच्चा कम समय में NDA जैसा एक प्रतिष्ठित नौकरी को वो प्राप्त कर सकता है। तो संपर्क भी कर सकते हैं, नीचे इनके मोबाइल नंबर चल रहे हैं, अगर वास्तव में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं आकर एकेडमी को देख सकते हैं। जो बातें कही हैं उनमें कहीं ना कहीं दम जरूर है, इसीलिए हम AMS एकेडमी में आज पहुंचे थे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।